चीन में 3 से 17 साल के बच्चों को लगेगा टीका। सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। 3 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन वाला देश बना चीन। टीके की खुराक कब से दी जाएगी अभी तक तय नहीं। तो क्या इसमें भी कोई इशारा छिपा हुआ है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले कंपनी ने क्या दावा किया है, बच्चों में वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अब इससे कैसे इनकार किया जाए, अगर वो टारगेटेड भी बना रहा है, फिर अब ये रेस के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से अगर वो टारगेट कर दे रहा है और इसको वेपन की तरह से इस्तेमाल कर रहा है, क्या इसी का इशारा है कि वहां बच्चे वैक्सीनेट होने लगे हैं? डॉक्टर सुभाष चंद्रा, ये एप्रिहेंशन है क्या? जी, एप्रिहेंशन तो हर स्टेप पे है। मैंने जैसा कहा आपसे, 2012 में शक था कि जब बेट ने माइनर्स को इन्फेक्ट किया, 6 माइनर्स थे 2012 में। इस लक्षण बिल्कुल जैसे कोरोना के आज हम देख रहे हैं, जिसमें फीवर है, कफ है और बॉडी के अंदर क्लॉट्स पाए गए हैं। और ये बैट की जो बीटिंग फीसिस होती है, जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है, वो नाक से अंदर जाके और ये उसने इन्फेक्शन किए। उसके बाद इतने प्रमाण हैं कि चीन में ये जो एक इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक, इस कोरोना के पेंडेमिक से कई महीने पहले हो चुका था, ये जग जाहिर है। उन्होंने कोई अपने लोकल लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने आवाज़ उठाई, उसको दबा दिया गया। उनके सैंपल्स बिल्कुल तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए गए और जो ओपन ग्लोबल प्रोब डिबेट्स हुई उनको बिल्कुल मना कर दिया गया, एंट्री अपने कंट्री में मना कर दिया गया। ये सब दर्शाते हैं कि ये एक षड्यंत्र है और ये जरूर मैन मेड वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। जहाँ तक बच्चों के वैक्सीन का सवाल है, बच्चों को वैक्सीन लगना ही चाहिए, यद्यपि बच्चों की अपनी इननेट इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और उनमें मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल कम्युनिटी स्प्रेड बचाने के लिए बच्चों में आना बहुत जरूरी है। और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो अपने वैक्सीन की ट्रायल बच्चों में चल रही है और बहुत जल्दी हमारे यहाँ भी 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगना। मेरा कौतूहल तो एक और चीज जानने में है डॉक्टर सुभाष, जो आपने कहा कि हमको ये करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए क्योंकि और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। लेकिन सतीश जी, क्या इम्यूनोलॉजी, क्या हमारी साइंस, अगर एक तरफ ये जो साइंस का अभिशाप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्या वरदान के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोग, इम्यूनोलॉजिस्ट और साइंस से जुड़े हुए तमाम साइंसदान, इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं? सर, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो हथियार बना रहे हैं तो हमारी ढाल पहले तैयार हो? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इस कोविड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद जो एंटीबॉडीज बन रही है, वो एंटीबॉडीज जो है एक हद के बाद वो प्रोटेक्शन की जगह वो डिजीज को एनहांस कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन गया है। और आप देखेंगे कि वैक्सीन में भी बहुत लोगों को जो साइड इफेक्ट हो रहा है। सर, ये बात समझाएंगे जरा आप, ये क्या कह रहे हैं, वैक्सीन की जगह डिजीज को एनहांस कर रहे हैं, एंटीबॉडी जो बन रहे हैं, इसको समझाएंगे सर जल्दी से प्लीज। जी, इसमें क्या होता है कि जब एंटीबॉडीज बन जाते हैं तो हमारे ब्लड कैपिलरी में जो वायरस के प्रोटीन रह जाते हैं वो उसको डैमेज करना शुरू करते हैं। उसकी वजह से आपका लंग का कैपिलरी बहुत ज्यादा डैमेज होने लगता है, वायरस खत्म हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ वायरस प्रोटीन रह जाते हैं और वो एंटीबॉडीज उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका डैमेज और बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे सीवियर केसेस में लोग कोविड नेगेटिव होते हैं लेकिन उनका लंग बहुत सीवियरली डैमेज हो जाता है और जिसको प्रिवेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड डिजीज एनहांसमेंट ये होता है। अभी आपको मालूम होगा कि एक फ्रेंच नोबेल लॉरेट ने इसको वैक्सीन के बारे में बताया था कि वैक्सीन एंटीबॉडीज से भी ऐसा होगा, लेकिन ये नेचुरली डिजीज में हो रहा है, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और इसको कंट्रोल करना इम्यूनोलॉजिस्ट के लिए समझना, इस पर बहुत रिसर्च की जरूरत है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एंटीबॉडीज की वजह से होगा तो हमको वैक्सीन, टी सेल मीडिएटेड वैक्सीन हमको डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, हो सकता है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज की वजह से अगर प्रॉब्लम होगा तो हमको एंटीबॉडीज की जगह जो दूसरा इम्यून का जो सिस्टम होता है, जिसको हम टी सेल कंपोनेंट कहते हैं, उस सिस्टम को एक्टिवेट करके हमको इस कोरोना वायरस पे कंट्रोल करने का आवश्यकता पड़ सकता है फ्यूचर में। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी सर, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। और जो आपने ये उम्मीद फिर भी बरकरार रखी है ना, ये बहुत बड़ा एक सहारा दिया है। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं अशोक सज्जनहार साहब से। अशोक सज्जनहार साहब, अब तो वजूद का संकट है। ठीक है कि देशों के अपने स्वार्थ होते हैं, उनका हित जहां सधता है वहीं पर दोस्ती होती है, वरना दोस्ती दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं होती, ये आप लोगों के साथ बातचीत करके हमने खूब समझा। लेकिन अब तो जिंदा रहने सांस पर पहरा हो रहा है सर, तो क्या अब एक साथ आने की और कितना इंतजार करेगी ये दुनिया चीन के खिलाफ? बिल्कुल, मेरे विचार से अब सभी हदें पार हो रही लगती हैं, परंतु चीन अपने इनसे कारनामों से नहीं एकदम पीछे हटेगा, पूरी दुनिया को सामने आना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। इसीलिए दिनेश जी, आपने देखा है जो अभी जो क्वाड की रचना हुई है, क्वाड का पहला समिट हुआ है 12 मार्च को, और अभी कुछ ही दिन में G7 हो रहा है, G20
G10 का 10 जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, वो सब आकर मिलकर बात करेंगे। तो जो चीन का खतरा है पूरी दुनिया को, देखिए केवल वायरस का नहीं है, वायरस तो एक चीज़ है, परंतु जैसे हम बात कर रहे हैं जो उसका जो नज़रिया है बहुत दूर तक जाता है। उसने 2035, 2049 अपनी बहुत सारी ऐसी मंशाएं अपने जैसे बता दिया है जो वो क्या करना चाहता और है। और अशोक सर देखिए हिमाकत तो देखिए उसकी हिमाकत तो उसकी मानने वाली है। देखिए वो क्या लिखता है, ग्लोबल टाइम लिखता है, वी अर्ज यूएस टू फुली अडहेयर टू द वन चाइना प्रिंसिपल एंड स्टॉप ऑफिशियल एक्सचेंज विद द ताइवान आइलैंड एंड नॉट सेंड एनी रॉन्ग सिग्नल्स एनी फर्दर। ये जो है सर, ये हेकड़ी कैसे टूटेगी इसकी जब पूरी दुनिया साथ में मिलकर आएगी और उसके विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। और मेरे विचार से अभी हम उस तरफ चल दिए हैं। देखिए क्योंकि ये जो आप बता रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था जो ये नेचुरल अकरिंग वायरस नहीं है, ये लेबोरेटरी से आया है। परंतु डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी इतनी कम थी दिनेश जी, जो कोई उनका विश्वास करने के लिए राजी नहीं था। परंतु अब जब राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को कहा है, जो आप इसके बारे में पूरी तरीके से तहकीकात करिए, तो मेरे विचार से देखिए पूरा ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल पाए, पर इतना ज्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलेगा जो चीन को कट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।